लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी, लड़की आपको खुद प्रपोज करेगी, लड़की आपको भाव देने लग जाएगी। अगर आज तक आपसे कोई लड़की नहीं पटी है, अगर आज तक कोई वुमन आपसे इम्प्रेस नहीं हुई है, तो इस वीडियो को फ्रेंड आपको जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे वो सारे पॉइंट साइकोलॉजिकल होगा। जी हाँ, साइकोलॉजिक जिसे कहते हैं। एक से बढ़कर एक पॉइंट समझाऊंगा फ्रेंड, बस आपको टिप को अप्लाई करना है अपने ऊपर। फिर जो लड़की है ना, जो आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही है, जिस लड़की को आप इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो, कई हद तक आप उसे इम्प्रेस करने लग जाओगे, कई हद तक वो आपसे अट्रैक्ट भी होने लग जाएगी, और प्रपोज उसे कैसे करने के लिए मजबूर करोगे, आपको आज की इस वीडियो में ये भी चीज जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा। छोटी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एडवांस में एक लाइक कर देना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहले जानते हैं कि वो लड़की आपसे इम्प्रेस क्यों नहीं होती है। उस लड़की में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपने उस पर हर एक टिप अप्लाई करके देखा है, मगर बदले में फ्रेंड आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट मिला है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आपके सामने भाव खाती है। वो वुमन सिर्फ और सिर्फ आपको अवॉइड करती है, कभी आपको भाव नहीं देती, कभी आपको नोटिस नहीं करती, और लाइन देना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। यहाँ पर फ्रेंड आप इतने ज्यादा गुड बॉय बनने के पीछे पागल हो गए हो ना, ताकि आपके माइंड ने एक बात कह चुका कि यार ये लड़की ना बहुत खूबसूरत है, अगर यार ये लड़की मुझसे इंप्रेस हो जाए ना, तो बाय गॉड मुझे लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। केवल ये जो थॉट है ना फ्रेंड, आपको हमेशा से डुबाते चला आया है। अब ये सिर्फ केवल एक लोगों की थॉट नहीं है, कई लोगों की थॉट होगी कि वो लड़की सर बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए मुझसे इंप्रेस नहीं हो रही है, सर मैं उसको इंप्रेस इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सही से मुझे टाइम नहीं दे रही है, सर हम दोनों के बीच में क्लोजनेस नहीं बढ़ रहा है। मगर कुल मिलाकर बात इतनी आ रही है कि सर अब वो मुझे भाव नहीं दे रही है, सर अब वो मुझे लाइन नहीं दे रही है, तो अब बताओ मैं उसे कैसे इंप्रेस करूं। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने उसके जो भाव है ना, जो उसका अंदर का ईगो है, एटीट्यूड है, उसको आपने सातवें आसमान पर चढ़ा रखा है। आप नहीं मानोगे मेरी बात, मगर जी हाँ ये सच्चाई है। आपने ही उसे ऐसा रिएक्ट करवाया, आप उसे ऐसा ट्रीट करे हो, जिसके बाद उस लड़की को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हूर परी ना सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही हूं। फ्रेंड आपको जब पता है कि वो लड़की भाव खा रही है, आपको जब पता है कि वो लड़की आपसे इंप्रेस नहीं होने वाली है, तो उसे आप वहीं पर रद्द कर दो, मतलब कि छोड़ दो, उसे भाव देना कम कर दो, उसे देखना बंद कर दो, उससे बात करना कम कर दो, उसके बजाय उसके फ्रेंड में दिलचस्पी दिखाओ, उसके बजाय अपने काम में दिलचस्पी दिखाओ, ताकि उस लड़की को ऐसा लगे कि मैंने इस लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया। जो लड़का मेरे पीछे पीछे पागल था, जो लड़का मेरे पीछे पीछे दौड़ता था, अब वो मेरे पीछे क्यों नहीं दौड़ रहा, क्या रीजन है। और अक्सर बैड बॉयज ना ऐसे ही करते हैं, अगर उन्हें लड़की पसंद आती है तो या तो उनसे वो बात कर लेते हैं, और अगर आपको ऐसा उस लड़के को ऐसा लगता है कि नहीं ये लड़की भाव खाने वाली है, नहीं लड़की लाइन नहीं देगी मेरे को, ये बस मेरे को अपने पीछे पागल कुत्ते की तरह भगाएगी, तो मैं इसे देखूंगा ही नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा। और यकीन मानो मेरी जान, लड़की उसी टाइम में उस लड़के पर फिदा हो जाती है कि औरों से अलग हट करके एक लड़का मिला है जो मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह नहीं पड़ा हुआ है, जो मुझे अपने पीछे भगवाने पर मजबूर कर सकता है। ये होती है फ्रेंड साइकोलॉजिकल एक टिप, जो आप सही तरीके से समझ जाते हो तो, कि लड़की को जब आपको पता है कि वो भाव खा रही है, आपको ये पता है कि लड़की आपको ईगो दिखा रही है, तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, क्या रीजन है। खूबसूरती है, चलो एक पल को मान लेते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो क्या वो ऑटोमेटिक खूबसूरत बन के आई थी, नहीं यार। आजकल जो ये पार्लर नाम की जो चीज बनाई गई है ना, क्यों बनाई गई है, ये जो कपड़े होते हैं, लुक पर्सनैलिटी होती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे पार्लर में जाते हैं, अच्छा हेयर कट रखते हैं, अच्छे सेंट लगाते हैं, अच्छा लोशन कुछ भी कह लो, सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए वो देखने में अच्छी होती है। अगर आप भी ये चीज समझ लेते हो, आप भी अपने आप को परफेक्ट रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको उसके पीछे भागने की जरूरत है। जी हाँ, अगर आप कहोगे फ्रेंड कि बैड बॉय के ऊपर एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाइए, तो भाई मैं बना दूंगा आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोग कमेंट करते हो या नहीं। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब कोई लड़की भाव खाए, जब कोई लड़की आपको अपना ईगो दिखाए, तो उस टाइम पे बस स्टॉप कर दो, ताकि उस लड़की को रियलाइज हो, ताकि उस लड़की को सोचने का समय मिले कि मैंने ऐसा क्या किया जो लड़का मेरे पीछे दीवाना था, पागल था, अब ये मेरे पीछे भागना बंद कर दिया, अब ये मेरे को लाइन देना कम कर दिया है। ये चीज को रियलाइज होनी चाहिए, तभी वो आपके पास भाग कर आएगी, तभी वो आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आप अपने ऊपर इम्प्रूव करोगे कि आपने ऐसी कौन सी गलती की है, आपने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से वो भाव खा रही है। अब वो हरकत आप नहीं करोगे, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे, अपने बोलने के तरीके को इम्प्रूव करोगे, तो क्यों नहीं वो लड़की आपको प्रपोज करना चाहेगी, क्यों नहीं आपके पीछे आना चाहेगी, क्यों नहीं आपसे बात करना चाहेगी। केवल ये छोटा सा पॉइंट है फ्रेंड, आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मगर आप जिस दिन समझ जाते हो ना, उस दिन भाई कभी आप किसी के सामने झुकते नहीं हो। साथ ही साथ बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 की, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास है।
उस लड़की को मैं इम्प्रेस तो कर लूं, उस लड़की को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लूं, मगर सर एक सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं जब भी उससे बात करता हूं ना सर, वो बात भी करती है मगर हमेशा मुझे अवॉइड करने की कोशिश करती है। सर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात आप समझिए कि किसी इंसान को फ्रेंड उतना ही ज्यादा सफाई पेश करो जितना वो एक्सपेक्ट करता है, जितना वो डिजर्व करता है। डिजर्व से ज्यादा आप सफाई पेश करते हो तो आपकी खुद की जो एक वैल्यू होती है ना वो गिरते चली जाती है, वो घटते चली जाती है। इस बात को आप समझिए, अगर आपका पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता है, अगर आप उसे लाइक करते हो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो और उसके बाद भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होती, किसी और में दिलचस्पी दिखा रही है, किसी और में से वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, आपके साथ वो कम टाइम स्पेंड कर रही है, आपसे वो कम बातें करना चाह रही है, मतलब कि फ्रेंड आप उसके सामने सही तरीके से ना झुक चुके हो, जिसके बाद वो आपकी ले रही है मजे, ठीक है, उसको इतना ज्यादा मजा आ रहा है इसे करने में जितना आप सोच नहीं सकते। तो किसी भी इंसान को अगर आपको समझाना है, कोई लड़की है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसे रियलाइज नहीं करवा पा रहे हो, तो एक चीज समझिए अपने अंदर जो आपको समझ लेनी चाहिए कि यही किससे मैं जितना बोलना चाहिए मैं उतना ही बोलूंगा, अपनी बात एक बार में रखूंगा, एक बार में इसे समझाना चाहूंगा और बार बार मैं इसे सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, बार बार मैं इसके नजर के सामने नहीं झुकने वाला। क्योंकि फ्रेंड आप जितना ज्यादा झुकते हो ना जमाना उतना ही ज्यादा आपको झुकाना भी चाहता है। आप जो कहते हैं ना उसके भाव चढ़ गया है, उसकी ईगो आ रही है, वो तो मुझे लाइन नहीं दे रही है, वो तो मुझसे बात नहीं करना पसंद कर रही है, सर अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। भाई आप जितने बार झुके हो ना उतने बार ही आपके जो वैल्यू है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये गिरती चली आई है। इसकी वजह से अब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। जब उस लड़की के अंदर इतना ईगो है, जब उस लड़की के अंदर इतना एटीट्यूड है कि मैं खूबसूरत हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मुझे लोग अट्रैक्ट करेंगे, मुझसे लोग प्यार करना चाहेंगे, तो आप अपने आप से प्यार क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? हो सकता है वो रिलेशनशिप खराब हो जाए, हो सकता है वो लड़की आपको छोड़कर चली जाए, मगर इसके बाद जो आपके लाइफ में कोई लड़की आई है ना उसके सामने फ्रेंड आप एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का एक ईगो लेकर बैठे रहोगे कि हाँ मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक रिलेशनशिप में फ्रेंड सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। जी हाँ, एक्सेप्ट करिए कि फ्रेंड आपको एक बात समझने कि तू मुझसे प्यार करती है, चल नहीं करती, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मैंने तुझे समझाना चाहा, तू समझ नहीं रही है, तो तेरे पीछे मैं पागल नहीं हूंगा, मैं तेरे पीछे नहीं भागूंगा, 24 घंटे तेरे पीछे नहीं पड़ा रहूंगा, मेरे खुद के भी काम है, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। मगर फिर भी आप लगे पड़े हो उससे बात करने में, आप लगे पड़े हो उसको लाइन देने में, जब वो लड़की डिजर्व नहीं करती है, जब उस लड़की को मजा आ रहा है आपके काटने में, जब उस लड़की को अच्छा लग रहा है कि आपको बेवकूफ बना रही है, तो क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, है बताओ क्यों? तो ये था फ्रेंड आपका दो पॉइंट। अगर आप चाहते हो फ्रेंड कि इस बात को अच्छी तरीके समझा जाए, नया टॉपिक था, नई तरीके से समझाया हूं, नया लैंग्वेज भी है, तो आपके डिपेंड करता है फ्रेंड कितना ज्यादा लाइक करते हो और कितना ज्यादा कमेंट करते हो कि सर इस वीडियो का पार्ट टू बनाइए, हमें अच्छा लगा आपने जो बात कहा, भाई कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, फॉलो जरूर करिएगा भाई मेरे, और मुझे बताना कि क्या मुझे बैड बॉय के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों आजकल वीडियो शेयर नहीं हो रही है भाई, शेयर